लो दोस्तों आप सोच रहे हो कि क्या सी एस आर नेट सेट गेट एग्जाम बिना गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है कहाँ तो मिल सकता है देखिए कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन सी 2023 ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है ये एग्जाम सी एस आर का एक पोस्ट है दो पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन दो पोस्ट के लिए टोटल चार सौ चवालीस फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फोर वेकेंसी टोटल निकली हुई हैं और इस एग्जाम के लिए कोई सी एस आर नेट गेट सेट क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है तो क्या क्या जरूरी है आइए इस वीडियो में देखते हैं इस वीडियो को अंत तक देखिए कैसे अप्लाई करना है कहाँ से अप्लाई करना है सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आइए देखते हैं कि ये एग्जाम क्या है सबसे पहले तो ये एग्जाम कब है तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये आठ दिसंबर को ठीक है ये आठ दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है लास्ट डेट है बारह जनवरी मतलब और एक महीना हमारे पास है ट्वेल्थ ऑफ जनवरी तक ये एग्जाम है लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी वो चौदह जनवरी तक है टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज वन एग्जाम ये फेबर में है ठीक है फेबर में स्टेज वन एग्जाम है स्टेज टू एग्जाम भी है और उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यूज भी रहेंगे सो स्टेज एग्जाम जो करेंगे वो स्टेज टू के लिए चले जाएंगे स्टेज टू जो क्वालिफाई करेंगे वो या तो डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं या फिर कुछ पोस्ट में इंटरव्यूज भी लिए जाएंगे ठीक है तो आइए जानते हैं ये क्या एग्जैक्टली exactly पोस्ट है ठीक है सो so, uh, सी एस आर मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पोस्ट है ठीक है यह डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है इसमें थर्टी सिक्स नेशनल लेबोरेटरीज हैं थर्टी नाइन आउटरीच सेंटर्स है एक इनोवेशन कॉम्प्लेक्स भी है एंड थ्री यूनिट्स विद इंडिया प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्री ठीक है तो इतने सारे सेंटर्स सी एस आर के हैं ठीक है एंड दिस इज द पर्पज द मेन मोटो ऑफ सी एस आई आर इज टू डेवलप एंड नर्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैन पावर इन द कंट्री ठीक है एक यंग और डायनेमिक वर्क फोर्स नॉलेज वर्क फोर्स क्रिएट करना है और Uh, इस वर्कफोर्स को क्रिएट करने के लिए जैसे साइंटिस्ट और जूनियर रिसर्च फेलोज और पीएचडी uh, स्कॉलर्स uh, की ज़रूरत होती है या इवन प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है साइंटिफिक ऑफिसर्स की जरूरत होती है वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बिना एडमिनिस्ट्रेशन के कभी भी कोई भी चीज़ आगे ले जाना पॉसिबल नहीं है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है प्लेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसा हमें लगता है मगर प्लेयर्स के साथ साथ कैप्टन कोच फिजियो मैनेजर्स uh, ये सभी इंपॉर्टेंट है ये सभी का रोल इंपॉर्टेंट है और ये जो पोस्ट निकले हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है सी एस आर नेट में ठीक है सो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ठीक है ये एडमिन uh, so के पोस्ट हैं ठीक है और uh, दो तरह के पोस्ट हैं पहला है सेक्शन ऑफिसर का ठीक है जनरल सेक्शन ऑफिसर है फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन ऑफिसर है या से फिर सेल्स एंड परचेस सेक्शन ऑफिसर है यहाँ पे टोटल सेवेंटी सिक्स पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर के ये ग्रुप बी मतलब ग्रुप uh, बी का पोस्ट है पे लेवल एट सेल वन और uh, इसका बहुत ही अट्रैक्टिव पे मैट्रिक्स है 47,600 टू 1,51,100 ये पे स्केल आपको यहाँ पे मिल रहा है ठीक है और यहाँ पे देखना इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्री है शियल क्वालिफिकेशन क्या है सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्री है ठीक है एज लिमिट है थर्टी थ्री ईयर्स तो मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने वाले ऑलमोस्ट सारे लोग एलिजिबल है इसके लिए ठीक है वैसे ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी पोस्ट है <coughs> ये भी जनरल में है फाइनेंस और अकाउंट्स में है सेल्स एंड परचेस में भी है और यहाँ पे ज्यादा पोस्ट हैं 368 टोटल पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज ब्रेकअप वो भी बाद में मैं बताता हूँ कैसा है ये भी ग्रुप बी का नॉन गैजेटेड पोस्ट है मगर पे लेवल सेवन है सेल वन है आ, पे मेट्रिक्स में फोर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड टू वन लैख फोर्टी टू फोर हंड्रेड ये पे स्केल आपको ऑफर किया जा रहा है अगेन यहाँ पे भी इसेंशल क्वालिफिकेशन सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्री है कौन सा डिग्री है साइंस का है आर्ट्स का है मैथ्स का है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है प्लस एज लिमिट इसका भी थर्टी थ्री है मैक्सिमम एज लिमिट ठीक है तो जिसका मतलब हम में से ऑलमोस्ट सारे अब मैं ऑफकोर्स नहीं अप्लाई कर पाऊंगा मगर आप लोगों में से सारे लोग एलिजिबल हो यहां पे क्योंकि यूनिवर्सिटी डिग्री तो आपने डेफिनेटली कंप्लीट किया हुआ है ठीक है अब कितने पोस्ट हैं तो सेक्शन ऑफिसर जनरल सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन ऑफिसर सेल्स एंड परचेज टोटल सेवेंटी पोस्ट है टोटल सेवेंथली सिक्स पोस्ट हैं और यहाँ पे आपको ब्रेकअप भी नजर आ रहा है कि एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए टोटल कितने पोस्ट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं ठीक है सो एस सी के लिए टोटल दस पोस्ट हैं एस टी के लिए टोटल चार पोस्ट हैं ओबीसी के लिए नाइनटीन पोस्ट हैं ई डब्ल्यू एस के लिए सिक्स पोस्ट हैं और अनरिजर्व के लिए थर्टी सेवन पोस्ट हैं ठीक है ये सेक्शन ऑफिसर के लिए है वैसे ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए टोटल 368 पोस्ट्स हैं जनरल फाइनेंस अकाउंट्स और सेल्स एंड परचेस के लिए सो so, एससी के टोटल 54 पोस्ट्स हैं एसटी के 26 ओबीसी के 102 जीरो के 35 और अनरिजर्व के 151 सो so, कुल मिलाकर 368 और दोनो पोस्ट और दोनों पोस्ट दोनों वेकेंसीज मिलाकर 444 वैकेंसीज यहां वेकेंसीज पे रिलीज हुई हैं ठीक है थीके? Uh, अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या है तो अनरिजर्व्ड ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस कैटेगरीज़ के लिए फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है और विमेन एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी एक्स सर्विस मैन और सी एस आई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो लैटरल एप्लीकेशन uh, कर रहे हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहेंगी ठीक है अब यहाँ पे एज लिमिट्स क्या दिए हैं तो अनरिजर्व का एज लिमिट 33 है मगर बाकी सारे कैटेगरीज को थोड़े थोड़े रिजर्व थोड़े से रिलैक्सेशन है एज लिमिट के सो एस सी एस टी के लिए 38 ये एज लिमिट है ओ बी सी के लिए 36 सिक्स पी डब्ल्यू डी के लिए पी डब्ल्यू बी डी के लिए 43 थ्री पी डब्ल्यू बी डी एस सी एस टी के लिए 48 और पी डब्ल्यू बी डी ओ बी सी के लिए फोर्टी सिक्स ये एज लिमिट्स है अपर एज लिमिट्स है एक सर्विसमैन के लिए कैसा है <coughs> अगर आपने आर्मी में सर्व किया है डिफेंस पर्सनल हो तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्चुअल मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज अपर एज लिमिट 36 है जिसका मतलब क्या है कि मान लो कि आपका एज है 44 ठीक है और आपने 15 साल सर्विस की है तो 44 में से 15 माइनस किया जाएगा आएगा 29 और ये 29 एज जो आता है ये इस एज लिमिट के ऊपर नहीं होना चाहिए सो so, आपका टोटल एज उसमें से आपके सर्विस के ईयर्स ये माइनस कर दो वो जो टोटल है वो थर्टी सिक्स के ऊपर नहीं होना चाहिए ठीक है और फाइनली सी एस आर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं जो लैटरल मूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए थर्टी एट ये अपर एज लिमिट रहेगा ठीक है सो so, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न कैसा है तो एग्जाम पैटर्न में ऑफकोर्स आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे पेपर वन ये जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन का है इसमें जनरल अवेयरनेस के हंड्रेड एम ऑफ वन मार्क नेगेटिव मार्किंग भी है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीएसन फिफ्टी एम ऑफ वन मार्क ईच विथ नेगेटिव मार्किंग टोटल 150 मार्क्स का पेपर है 150 फिफ्टी क्वेश्चन एंड वन मार्क्स और दो घंटे का पेपर रहेगा ठीक है uh, दूसरा पेपर है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का यहाँ पे 200 हंड्रेड एम ऑफ वन मार्क ईच एंड नेगेटिव मार्किंग है एट माइनस पॉइंट थ्री थ्री सो दो सौ एमसी क्यूज है दो सौ मार्क्स हैं और ढाई घंटे का पेपर है ठीक है वैसे ही तीसरा पेपर है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है ठीक है मतलब यहाँ पे आपको ऐसे राइटिंग है प्रेसिस राइटिंग मतलब समरी राइटिंग है और लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग इसका ये ओवरऑल पेपर रहेगा सो यहाँ पे आपको लेटर या प्रेसिस uh, या uh, एक ऐसे लिखना पड़ेगा एक्चुअली दो एसेज लिखने होते एक प्रेसेस और एक और लेटर राइटिंग होगा ठीक है और फाइनली इंटरव्यू किसके लिए है इंटरव्यू सिर्फ सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं रहेगा बट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए क्या होगा यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफेशंसी टेस्ट है मतलब सीपीटी है ये सीपीटी हंड्रेड मार्क्स का है बट ये सिर्फ क्वालिफाइंग है मतलब यहाँ पे पास फेल इतना ही दिया जाएगा ये सीपीटी का स्कोर एक्चुअल आपके स्कोर में काउंट नहीं किया जाएगा ठीक है अब पेपर वन का सिलेबस क्या है तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी गवर्नेंस सोशल जस्टिस और करंट इवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के ये पेपर होगा वन मार्क्स का होगा हंड्रेड क्वेश्चन मार्क्स एंड टाइम इज टू आवर्स ठीक है देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रियेंशन सॉरी इसके हंड्रेड क्वेश्चन है और हंड्रेड मार्क्स है इसके फिफ्टी क्वेश्चन और फिफ्टी मार्क्स है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिएशन में इसमें कॉम्प्रीएशन होगा मैसेज दिया जाएगा क्वेश्चन पूछे जाएंगे डू एज डायरेक्टेड कि मतलब uh, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर होगा प्रपोजिशन फिल इन द ब्लैक्स सिनोनिम्स एंडियम्स सेंटेंस करेक्शन एरर्स क्या है कंक्टुएशन इडियम्स एंड फ्लजेस ठीक है ये पार्ट होगा सो हंड्रेड प्लस फिफ्टी वन फिफ्टी क्वेश्चन वन फिफ्टी मार्क्स और टोटल टाइम होगा दो घंटे का ये पेपर वन के लिए है पेपर टू के लिए क्या है पेपर टू के लिए टोटल दो सौ क्वेश्चन है टू हंड्रेड क्वेश्चन टू हंड्रेड मार्क्स आठ सेक्शन में ये क्वेश्चन आएंगे ढाई घंटे का पेपर होगा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी एरेथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जनरल साइंस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस एंड नेशनल जोग्राफी ठीक है सो so, ये होगा पेपर टू में सो so, जो पेपर वन से क्वालिफाई हो रहे हैं वही पेपर टू में चले जाएंगे पेपर टू आ, देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे पेपर वन का टेंटेटिव डेट आपको याद है फेबर में दिया गया है और फिर पेपर थ्री में ऐसे राइटिंग के दो क्वेश्चन होंगे प्रेसिस का एक क्वेश्चन होगा और लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग का एक क्वेश्चन होगा टोटल दो घंटे का समय आपको यहां पे मिल रहा है ठीक है सो so, यहां पे एक, एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि अगर टाई केसेस हैं कि मार्क्स अगर सेम आ गए तो फिर क्या करना है तो ये टाई ब्रेकर कैसे रिजोल्व होगा सो सेक्शन ऑफिसर के लिए रिटर्न टेस्ट में जिसको ज्यादा मिलेंगे उसका रैंक हायर होगा ठीक है सो so, प्रेफरेंस किसको है रिटर्न टेस्ट में जिसको ज्यादा है लेसर नेगेटिव मार्क्स अगर ये रिटर्न टेस्ट में भी मार्क्स सेम है तो नेगेटिव मार्किंग केस का कम है उनको हायर प्रेफरेंस मिलेगा अगर वो भी सेम है तो डेट ऑफ बर्थ जो ओल्डर कैंडिडेट है वो उनको प्रेफरेंस मिलेगा ठीक है और अगर वो भी सेम है मतलब तो ये तो बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस हो गया मगर फिर भी उन्होंने प्रोविजंस रखे हैं कि डेट ऑफ बर्थ भी सेम है मान लो कि जुड़वा भाई है सेम मार्क्स आ गए रिटर्न टेस्ट में पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री में और कंप्यूटर प्रोफेशनसी टेस्ट में और इवन इंटरव्यू में तो जुड़वा भाई है तो ये तीनों तो सेम ही हो सकता है कैंडिडेट अक्वायरिंग इसेंशियल डिग्री अर्लियर ठीक है जो भी उनका डिग्री होगा वो जिन्होंने पहले हासिल किया है उनको प्रेफरेंस मिलेगा और जुड़वा भाई है तो ये भी शायद सेम होगा सेम ईयर में डिग्री मिला होगा क्वालिफाइंग डिग्री तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिनका नाम पहले आता है उनको प्रेफरेंस मिलेगा ठीक है सिमिलर क्राइटेरिया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी रखे हैं लेसर नेगेटिव मार्क्स एंड रिटर्न टेस्ट डेट ऑफ बर्थ जो ओल्डर कैंडिडेट्स है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा कैंडिडेट्स अक्वायरिंग एसेंशियल डिग्री अर्लियर उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा और अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ फर्स्ट नेम जिनका नाम पहले आता है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा ठीक है अब अप्लाई कैसे करना है अप्लाई करना है सी एस आई आर के वेबसाइट है वेबसाइट से एच डी डी पी कोलम स्लैश स्लैश डब्ल्यू 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 डॉट सी एस आई आर डॉट आर ई एस डॉट इन वहां पर जाके वेकेंसीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज का जो सेक्शन होता है करियर का जो सेक्शन होता है वहां पे जाके आप देख सकते हो वहां से आप अप्लाई कर सकते हो याद रखिए 12 जनवरी लास्ट डेट है आज है 12 दिसंबर एक महीना आपके पास मिलता है ठीक है तो देर मत करिए अप्लाई इमीजिएटली कर दीजिए बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स है पूरे इंडिया में <coughs> जितना जल्दी अप्लाई करोगे आपके चॉइस के सिटी में आपको आ, आपका एग्जाम सेंटर आएगा जिससे आपको आसानी होगी थोड़ा सा कन्वीनियंट पड़ेगा आपको ठीक है सो डोंट वेस्ट टाइम अप्लाई राइट अवे बिल्कुल देर मत करिए तो सी एस आर नेट गेट सेट जैसे क्वालिफिकेशन के बिना गवर्नमेंट जॉब आपको यहां से मिल सकता है ठीक है सो so, uh, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाइए लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन प्रोसेस